बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालेह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मुन्तखबीन अल्मुन्तजबीन वलानल्लाहु अला आदाएहिम अज्मईन मिन योमे अदावतहिम इला योमिद्दीन। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउद अलियम मज़हर अल अजा तजीद हो औनन लका फिन नवाहिब कुल्लो हम्मिन वगम्मिन सयन जली बे अलीयन बे अलीयन बे अलीयन बे अली सला। दुआ है परवरदिगारे आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अजादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत हैं। अजीज मोहतरम जनाब मलिक मोहसिन साहब अजीज ममनून हुसैन मुर्तजिद और इरफान भाई और इस खानवादे के एक एक फर्द की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाबा नासिर शाह जी ज़ियारात के सफ़र में हैं, मालिक उनके सफ़र बेखतर फरमाए। इज्जत मुआब मलिक जवार साहब से लेके आखिरी माकमी तक, जकी शाह साहब से डॉक्टर सज्जाद साहब, काशिफ शिराजी साहब से लेके आखिरी माकमी तक जिस जिस की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है शहजादी सबकी दुआएं कबूल हों। भाई की वालदा बीमार हैं, दीगर जो जो मोमिन बीमार है, अभी यही मुझे आके भाई ने कहा है गालिबन उनकी वालदा मेडिकल के हॉस्पिटलाइज हैं, गालिबन यही बताया आपने। बीबी उन्हें शिफाए फूली अता फरमाए। भाईजान अजमल नकवी साहब के घर से एक इज्जतदार सैयदादा वेलकम कहता हूँ मैं आज की इस मजलिस में। बिस्मिल्लाह ताहिर साहब मौला और इज्जतें अता फरमाए। जैगम बेटा कमालिए से दुआओं के लिए कह रहा है, सकलैन के हाथ उठे हुए हैं। मुर्शिद अवैस बादशाह मैं उनका 26 सफ़र को इंतज़ार करता रहूँ। पूरी मजलिस से मैंने जैदियान पर पढ़ी है वो। मौला आपको इज्जत दे। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। बिल्लू के लिए दुआ मांगते रहें 26 को, मौला ने करम किया है, तबीयत बेहतर है, मौला और इज्जतें अता फरमाए। हमारे रिजवान भाई हमारी मजलिसों की रौनक हैं, जीनत हैं, मौला इज्जतें अता फरमाए। कैसर बेटे से लेके आखिरी मातमी तक, सईद से लेके आखिरी अजादार तक, ये मकसूद मत समझिएगा कि मैंने किसी को जान बूझ के नज़रअंदाज किया। शहजादी सबकी दुआएं कबूल। एक सैयदादा कसर बतूल से ज़िरगाम अब्बास नाम है उनका, ये जे के नीचे जेर है, ज़िरगाम अब्बास नाम है उनका। मालिक उन्हें शिफाए फाही अता फरमाए। मुर्शिद काशिफ फिराजी की दुआएं बादशाह कबूल फरमाएं। मेरे अल्लाह आज़ादार घरों की बेटियों के नसीब बचे। आज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियां आबाद फरमाएं। सलाम है तुम्हें मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका, हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफिले में शरीक हो सके। जितनी बुलंद सलवात पढ़ सको अली वालों उतना बुलंद आवाज। बेटा आप जो खड़े हुए हो सामने, आप मजलिस का हिस्सा नहीं बनते, बैठ नहीं जाते अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जितने आप पीछे बैठे हुए अगर मुमकिन हो एक कदम नजर अल्लाह नियाज है हुसैन नामे हुसैन पे बेटा, एक कदम अगर आगे आने की हिम्मत हो, इससे बड़ा तो मेरे पास वास्ते ही नहीं है। नजर अल्लाह नियाज है हुसैन आ जा मेरा पुत्र, मैं तेन की आखिया नाल दिन पूछ ही जाना बे चलिए कि ना चलिए। अच्छा चलो जड़े आए हो तो खैर हो, जड़े नहीं आए तो भी खैर हो। पढ़ो दरूद मिल के बुलंदा बाबा जी इजाजत है। थोड़ा सा तंगी ये वक्त का सामना है, उसमें मैं बानियान से स्पेशली लाला जवार से
दरख्वास्त करूंगा, मोहसिन साहब से गुजारिश करूंगा, कल और परसों दो दिन हमारे पास बच गए और दोनों दिन हमारे पास ये जो रोज़मर्रा के जाकरीन हैं इनके अलावा इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत जनाब हसन सादिक साहब, बड़ा मोतबर नाम है जिक्र मज़लूम की दुनिया का, और जनाब कुरबान जाफरी साहब, ये दोनों अहबाब कल तशरीफ़ लाएंगे, नौहखानी करेंगे, मातमदारी होगी। परसों कासमी बिरादरान गालिबन 110 के नाम से जाना जाता है उन्हें इस अज़ाई जहान में, वो तशरीफ़ ले आएंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कल जो भी मजलिस शुरू हो 8 सवा 8 बजे के बाद, जो साहब भी पहली नौकरी शुरू करें वो लेट से लेट 9 बजे मेंबर ले लें, 9 से 9:40 तक वो पढ़ें, 9:40 से 10:20 तक अगला जाकिर पढ़े, 10:20 से 11 बजे तक अगला जाकिर पढ़े, यानी मैं पढ़ूँ 11:10, 11:05 पे हम जनाब कुरबान जाफरी साहब से मेंबर दे दें। यही हमारा उनसे वादा है, उन लोगों का यही वादा है कि वो शाम तक तशरीफ ले आए। इजाज़त होगी बाबा जी तो मैं नौकरी शुरू करा, पढ़ो दरूद कवारी सुना कर। तौहीद नगर अपनी पनाहों में छुपा लो। समर जियो मेरा पुत्र, फैसल जियो जी, मोहसिन जी हैं आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें, मेरी शहजादी आप पे राजी हो। जी मैं राजी बाबा जी, मैं राजी हो गया जी। बोल पुत्र, इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो। तौहीद नगर बाबा जी अपनी पनाहों में छुपा लो, सारे रुखे अनवार निगाहों में छुपा लो। खुलता हाथ बेटा थोड़ा सा है, आपके क्या कहने हैं? जियो मेरा पुत्र, जियो मेरा बच्चा। तौहीद नगर अपनी निगाहों में छुपा लो, तौहीद नगर। ट्रस्ट करता इन 3-4 कैमरों पे मुझे सुनता तू मेरा लाल। तौहीद नगर अपनी निगाहों में छुपा लो, सारे रुखे अनवार पनाहों में छुपा लो। गाजी को लिए हाथ पे शब्बीर ये बोले, अब्बास अभी से मुझे बाहों में छुपा। जिसे आता है अली कहना वो बोले हायदरी। पुत्र जी वे तेरा दिया दे पर्दे हो नहीं पुत्रा, अमन जी वो मेरा बच्चा, गाजी इस्ता दे हसन जहानिया परदेश बैठे ने, मालिक उन्हों की खैर कर। बाबा जी दुआ करिया दे, जे माहौल बन गया तो जी ने मैं अज पढ़नी है, मैं जिंदगी पहली बारी पढ़नी। उस नज़म का एक इतना एक टुकड़ा मैं कराची, नज़म नहीं इतना एक टुकड़ा चेक करने वास्ते फिर मैं लाहौर पढ़ना है, वो मैं कराची पढ़िया इतना एक टुकड़ा, पूरी नज़म पढ़ूंगा तो एहसान करोगे वैस बादशाह। कुरान की कसम है पाकां तो बाद तुहाडे आसरे देना औखे औखे काम मैं कीते ने बाद बादशाह जी। काशिफ भाई ये बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल काम करना, स्पेशली जिस दौर में मैं दाखिल हो गया हूँ ना, आसानियाँ शुरू हो गई। मिंबर से मुश्किल बात सुनने पढ़ने करने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। अगर आज मेरी थोड़ी सी मदद आप कर दें तो मैं बस इतना ही चाह रहा था कि आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। चलो इब्ने वली ही इब्ने रिसालत की जान था, इब्ने वली ही इसी टाइम के लिए मैं उस वक्त में बुला रहा था, कह रहा था कि बाद में मजमा चीर के आओगे मुझे तकलीफ पहुंचाओगे। इब्ने वली ही इब्ने रिसालत की जान था, यानी कमर पे शमशे इमामत को मान था। आप ना बोलो तो मुझे दुख होता है, जिन लोगों का मैं जानता हूं कि वो सुन लेते हैं, ऐसे तो नहीं बैठ गए ना बंदे मकसूद, जो बैठ गए वो मुझे सुनने ही बैठे हैं ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब शाह मिंबर पे चैलेंज कर रहा हूँ, शिया को हमने आज से पहले ये बात सुनी हो कोई दाद नहीं, हटा देना मुझे मिंबर से का।
आसिफ फिरा दी कि हमने फलां शहर से ये बात सुनी है, वरना कोई न बोला मैं उसका किला जरूर करूंगा। इब्ने वली पे इब्ने रिसालत की जान था, यानी कमर पे शमशे इमामत को मान था। वो शेर आ गया है कि जिसके वजूद पर खुद नफ्स मुतमैन को बहुत इत्मीनान। वाह वाह सैयद, सलाम है मेरा, सलाम है। इस घर के लोगों को इतना ही बोलना चाहिए जिस घर से आपका ताल्लुक है। अली हक, जो अली को हक मानता है वो हाथ उठाए। लाला बैगम जी में शाला हाथ उठे रहने जी। बिलू बादशाह, मैं एडी औखी गल अज करूंगा, मैं आप विचों डरिया होया भी लाहौर मेरा की बनेगा। कुरान की कसम है, लाहौर नहीं पंजाब च नहीं पढ़ी, कराची च भी उसे दो बंद पड़े ने। अल्लाह अकबर। वो शेर आ गया है कि जिसके वजूद पर खुद नफ्स मुतमैन को आप अंदाजा ये करें डॉक्टर सज्जाद साहब कि कितना बड़ा ततहीरी समाज है। की करा दस एदा की करा है बेटा, इतना पढ़ा लिखा चेहरा है आपका, मुझे आप शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो, आप क्यों नहीं बोले इसमें। कितना बड़ा ततहीरी समाज है आले मोहम्मद का। यानी क्या कहने, चल बाबा से कहना, कैसर अंकल से कहना कि अंकल शौकर ने ये जुमला कहा था मेंबर पर, ये कहा था कि गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक तो इनका कम साया है, दूसरा इनमें हर कोई एक दूसरे का हम साया है। कोई तो मकसूद सुने, कोई तो अदब सुने ना, कोई तो अदब सुने। ओ मेरे बच्चों शाबाश, वो हलाली नौकर है गाजी के जिन्होंने पीछे से हाथ उठाए हुए हैं। अब इस बादशाह पुत्र समझ के मैं दुआ कर रही है। अल्लाह अकबर, मेरी मजा ले। जी अपुत्रा सारे आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, बीबी आपको इज्जत दे। बोल पुत्रा, हो गई मेरी कीमत, सदा सलामत रहो। इस अल्लाह आपको इज्जत दे बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा मुश्किल काम है जो तू कह रहा है मेरा बेटा, नाराज नहीं होना। हाँ ये कह देना आसान है, इसको तफसील से पढ़ना उससे मुश्किल है, इस पर डिस्कस करना उससे मुश्किल है। बस जितना मैंने कहा है ना उतनी भी गुंजाइश मुश्किल है इस कौम में। बीबी आपको इज्जत दे, उतना सुनो समझो मेरी मदद करो। इस ततहीरी समाज में बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा प्यार किया हुसैन से, लेकिन अकेला अब्बास है। और कयामत की फजर तक याद रखना, बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते को तस्मिया कहते हैं, तस्मिया में भी बे एक है, अब्बास में दो है। अब्बास 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 शाबाश शाबाश शाबाश। मोहसिन जी ओ मेरा पुत्र, गाजी इज्जत देना मेरे पुत्रा नु। बीबी आपको इज्जत, कीमत हो गई शौकत दा शौकत की। काना ला युफारिकुल हुसैन लैलन औ नहारन, अब्बास वो है जो हुसैन से न रात को जुदा होना पसंद कर सकता। ये मेरी कीमत, ये मेरी कीमत, ये मेरी कीमत है सही।
यानी अब मैं बात कर दूंगा तो बात मसाइब की तरफ चली जाएगी, है फजाइल की। उलमा ने लिखा है कि अब्बास वाहिद शख्सियत है इस खानदान की जिसे नींद ही हुसैन के दरवाजे पे आ। ओहो, तकलीफ हुई है मुझे लाहौर में ये जुमला कहने की। भाईजान बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करे आपका हाथ ऊंचा रहे, जितने हाथ अब्बास की मलकियत है उतने उठाए करो अब्बास का वास्ता। ना 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 मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, ना मुझे देखना है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना, कान में नहीं बोलना, मेरे साथ बोलना है। तेरी बड़ी मेहरबानी, तब सलाम है इसके बाद जाके करना। ला युफारिकुल हुसैन लैलन व नहार, ना दिन को हुसैन से जुदा होता था अब्बास, न रात को हुसैन से जुदा होता था। वक कशीरन काना मा यकूलो मुशीरन इला अबी अब्दिल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, और अक्सर अब्बास हुसैन की तरफ इशारा करके जमाने वालों को बुला के फरमाया करते थे, काना यकूलो खोले कत ले जद्द हिल कौनैन व खोलेक तो अना ले हुसैन, इसके नाना के लिए कायनात बनी है, इसके लिए मैं। बैठा है कोई? बैठा है आफाक कोई? हाँ भाई, हाँ भाई, अमून वालों बोलो मेरे साथ, ऑन सिराजी के मून, ऑन जियो सलामत रहो, ऑन प्रोडक्शन जियो सलामत रहो मेरे बच्चों। कोई हाथ नीचे ना हो जो गाजी का मलकियत में हो। हाय दरी, सलाम आपको फैसल या अब्बास। खोले का तले जाते हिलकानैन बखोलेक दो आना ले लो हुसैन, इसके दादा के लिए इसके नाना के लिए कायनात बनाई गई, और मुझे काना युसाफिर अबू अब्दुल्ला अलैहि सलातो वसलाम बरकत, जब भी अबू अब्दुल्ला हुसैन अलैहि सलातो वसलाम सफर पे निकलते थे, तरकहू फिल मदीना, हुसैन को मदीने में छोड़ के जाते थे, अब्बास को मदीने में हुसैन छोड़ के जाते थे। अब्बास कहते मौला आप सफर पे जा रहे हैं, मुझे छोड़े जा रहे हैं, यकूलो याखी अंत जहरी व ऐनी फी अशीरती, अब्बास तू मेरे खानदान में मेरी आंख है। खरीद लिया डॉक्टर सज्जाद तेरे भाई को लाहौर वालों ने, और यार इन वफादार के नौकरों ने आज खरीद लिया है शौकत अल्लाह। अंत जहरी वाइनी फी अशीरती, अब्बास तुम मेरे खानदान में मेरी आंख है, ऐनुल्लाहों की हवेली में हुसैन की आंख। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, कितनी कितनी अदादार माँ का बेटा है यार तू, और तुम्हारी माँ का शुक्रिया भाई, तुम्हारी माँ को सलाम भाई। नमन बोल पा गया कुरान दी कसम में, क्या सर समर जीवो मेरा बछड़ा जीवो फैसल। एक जुमला और कहूँ, शिया कौम का मोतबर तरीन नाम है लामा कलबाशी, मोतबर तरीन नाम है लामा मजद सी लहरामा, मैं करोड़ शौकत उनकी जूतियों पे कुर्बान कर दूं। वो कहते हैं इदा काना अबू अब्दुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम यकूमो ले फरीजतिल फजर, जब भी हुसैन सुबह की नमाज के लिए उठते, व फतह बाबहू, और अपने घर का दरवाज़ा खोलते, राला बाब ही बाबहू, हुसैन अपने दरवाजे पर अपने दरवाजे को देखते। है कोई जो मेरी मदद करे? है कोई किसी को ऐस बादशाह पास सुनने का धंगा तो लो, किसी के अंदर गाजी हो तो वो बोले ना। ना 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 ना, ना। तबीयत थकी है तो मैं मसाइल शुरू करूं, वरना मुझे तो बड़ा मेरा तो खून लगा हुआ है ऐस बादशाह।
मैं नौकर हूं तेरा, मैं नौकर हूं मुर्शिद। ओ मैं सदके तेरे सुनन तो सदके जियो मेरा बेटा। आप जियो नौकरी है बाबा जी, परदेशियों की खैर होवे। को दस दस मिनट पहले आओ कुरान दा वास्ता। कल मेहमान आने ने तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी यार। थोड़ा टाइम मैनू भी लग जाए हुण। मेरे ही मेहमान ने, मेरे ही बुलाए ने सारे जिहड़े पढ़ गए ने, उन्हां नूं भी मैं बुलाया। जिन्हें पढ़ना है उन्हां नूं भी मैं बुलाया। विच मैं सैंडविच बन गया हां मौला दा वास्ता जी। कोई ना एक टाइम की गुंजाइश, वैस बादशाह पुत्र वास्ते इन्नी गुंजाइश तो कटो ना यार। मौला तो हुण मैं गल करदा ते मैं नौकर ना बाबा, टाइम जो मुक गया। चलो दिल का दिल है कि बेदिल का दिल जीत लूं। लाला ये जोखी गल की सी, मकसूद अपनी डेट की है यार, शवाले दे ना। याद मैं लिख देना, उन्होंने उत्थों दो समझ नहीं आ रही जेड़ी भी है। खाड़क मकसूद भाई दे कोल सवाल दी, एक मजलिस सलाना इमाम सादिक अलैहि सलाम दे हवाला पढ़ते होंगे। जींदे रहते जरूर पढ़ांगे। कल मैंने इश्तिहार इतने दे जाएगा, मैं डेट का ऐलान कर देंगे। जींदे रहते जरूर पढ़ांगे। दिल का दिल है कि बेदिल का दिल जीत लूँ, आज लफ्जी खजानों के मुँह खोल दूँ। दिल का दिल है, हाय 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 की यार जवाब पीर ने दाद दी है बादशाह। अंदर क्या खजाना है तेरे को बादशाह जी। दिल का दिल है। हाँ बेटा, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपसे तो तवक्कुआत है मुझे। बेटा तुम मेरा कल हो, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, तुम मेरा असासा हो। ये मेरे पास जो खजाना है तुम इसके मालिक हो। ये समेट लो इससे पहले कि मैं भी चला जाऊँ, आखिर सबको जाना है। समेट लो, दिल का दिल है कि बेदिल का दिल जीत लूँ, आज लफ्जी खजानों के मुंह खोल दूं। उस नहाए विलायत से सुनता है जो, उस वली की समात में रस घोल दूं। आप जिए, खैर साहब आप जिए, आप सलामत रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा सिंगाना मैं उन्होंने मिस किया। उस नहाए विलायत से सुनता है जो, मैं कमाली ना सी ओखी ने तो मैं फिर ना वे सान मेरी गल पा दी। उस नहाए विलायत से सुनता है जो, उस वली की समात में रस खोल दूं। जो तबारक भी है और मुबारक भी है, उसको हदिया तबरीक अनमोल दूं। कुछ कलम साथ दे,
कुछ आलम साथ दे सलाम ही मेरा सलाम ही पुत्रा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कुछ कलम साथ दे अफाक जीवो कुछ कलम साथ दे कुछ आलम साथ दे सूए सिदरा में लफ्जों के पर तोल दो कैसे बादशाह सूए सिदरा मैं लफ्जों के पर तोल दूं सूए सिदरा मैं लफ्जों के पर तोल दूं सूए सिदरा तेरा सुनन ते मूड न होवे ते तेरी मेरे दरमियान अली दामे ने मैं कल तो आके बह जाऊंगा न पढ़ांगा लेकिन मेरा खून न करी समझ आवे तो उतना बोली जितना मेरा हक है किबरिया अंबिया औलिया ओसिया किबरिया अंबिया औलिया ओसिया सब ही करते रहे बात अब्बास की सब हलाली मवाली बराती बनो फिर सुनाऊ बारात अब्बास आ सकले क्या हुआ सदके 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 जेड़े बंदे अब्बास दे बाराती हो बोलो क्या हुआ सर भाई सब हलाली मवाली बराती बनो फिर सुनाऊं मैं बारात अब्बास की पाक हसनैन ने पाक इखवात से पाक हसनैन ने उत्थे मैं कुर्सी ते बैठा सा एक मुंडा पिया पुछदा सी नाल दे कोलों लंगर किन्ने बजे चलना है वो तो मैं ध्यान किया वे मस्कीन मेरे वास्ते आए ही नहीं पाक हसनैन ने ए लंगरी है मैं क्या वे इखवात उख्त की जमा उख्त कहते हैं अरबी में बहन को पाक हसनैन ने पाक इखवात से यूं कहा पुर मसरत मनादी करें कुछ अजब रंग हों सब अली दंग हों आजा काशिप मैं कुछ नहीं कहता आ जा मैं कुछ नहीं कहता आ जा पाक हसनैन ने पाक हसनैन ने पाक इखवात से यूं कहा पुर मसरत मनादी करें पाक हसनैन ने पाक इखवात से यूं कहा पुर मसरत मनादी करें कुछ अजब रंग हूं सब अली दंग हूं कुछ अजब रंग हूं सब अली दंग हूं ये खुशी इस कदर इनफरादी करें मनादी करें इनफरादी करें फर्श पे अर्श हो अर्श का फर्श हो जीवो मुर्शिद जीवो मुर्शिद माँ पियो जो जीवो मैं ते नौकरी कर सकता जीवो अल्लाह अकबर अल्लाह साजिद भाई फाजिलपुर से मेरे एक भाई हैं मौला उनकी बच्ची के नसीब अच्छे करे मौला शफाक हैदर की मंजूर की झोली आबाद फरमाए फर्श पे अर्श हो अर्श का फर्श हो घर को मेराज मामूर वादी करें मनादी करें इनफरादी करें घर को मेराज मामूर वादी करें हसन हुसैन बहन से कह रहे हैं जिसके होने से अम्मा का दिल शाद है उस अली मिसल गाजी की शादी करें तेरा हाथ उचारा वे पुत्रा ओ पुत्रा कुरान की कसम हक अदा की तई रिजवान जी जी को शाला है हाथ उचे रमन किस जन्नत में ले आए हो मोहसिन मुझे और लाला दवार और पुत्र के सारा ने जकी पीर जी वो अल्लाह अकबर नासिर शाह जी खैर होवे परदेश जिसके होने से अम्मा का दिल शाद है जिसके होने से अम्मा का दिल मैं मकतल थोड़ा पढ़ लूंगा पुराना मानिएगा दो मसैब खान मंदिर इतना तवील से पढ़ गए लेकिन मैं शादी के पांच बंद पढ़ना चाह रहा हूँ आप लोगों की इजाजत है ना
जिसके होने से अम्मा का दिल शाद है, उस अली मिसल गाजी की शादी करें। खास आंगन के खवास ने तय किया। जब तू मुझे हाथ खोलेगा, सुनेगा, फॉलो करेगा, पूरा एनालिसिस यूज करेगा, तब जाके घर में सुनाएगा ना अपनी बहनों को, अपने भाइयों को कि अंकल शौकत को सुन के आए हूँ। जब तू तवज्जो नहीं करेगा तो सुनेगा कैसे बेटा? मैं कह रहा हूँ खास आंगन के खवास ने तय किया, एहतमामे विलायत खसूसी लगे, सर पे सेरा सजाएं जो अब्बास के, अंबिया को अली की अरूसी लगे। सैयद जीवो, बीबी आपको इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे, सर पे सेरा सजाएं जो अब्बास के, सदके अंबिया को अली की अरूसी लगे। दोनों बहन भाइयों ने मिलके गुफ्तगू शुरू कर दी, शादी गाजी की करें कहाँ? आलिया बिन तकरार नहीं हूं, कहा मेरे दिल में बसी रोशनी खूब है, असल भी एक है, नस्ल भी एक है, नूर की नूर से दोस्ती खूब है, मुत्तलिब के हसीन लाल अब्बास के, पाक फर्जंद की आगही खूब है। करोड़ तबर्रा उस बंदे जरा तेरे को झूठ पे बोलता है, पता नहीं कितनी किताबा मैंने पढ़नी है भैया ने एक सतर लिखने वास्ते। मुत्तलिब के हसीन लाल अब्बास के, पाक फर्जंद की आगही खूब है। बीबी ने कहा एक अब्दुल्ला नामी चचा भी है ना, जिनका पैमाना ए बंदगी खूब है। अवैस बादशाह मैं पूरे पिंडाल तो माफी मांग के मातमिया मिसर नजर करूँगा। अली की बेटी ने हुसैन से कहा किबलाए आसमाने वफा के लिए कुछ भी इस्मत मुआबा से बेहतर नहीं, मेरे अब्बास की जोजियत के लिए कोई रिश्ता लुबाबा से बेहतर। बोलो अल्लाह अकबर। किबला आसमान वफा के लिए कुछ भी इस्मत मुआबा से बेहतर नहीं, मेरे अब्बास की जौजियत के लिए कोई रिश्ता लुबाबा से। हाशमी लेके बारात घर से चले, हाशमी लेके बारात, खैर है, खैर है, मौला शिफा से मौला जिंदगी दे। हाशमी लेके बारात घर से चले, हर कदम पर ही कुर्बान खावर हुए, हुस्न आने लगा, दिल लुभाने लगा, हो गई हद के दावर दिलावर हुए, आले तैयार तश्ते दिराहिम लिए, तैयार की आल के 18 शहजादे हाथों में तश्त लेके शादी के साथ चल पड़े, आले तैयार तश्ते दिराहम लिए, मस्तवारों फकीरों के यावर हुए, लोलो मरजान याकूत दुर्रे नजफ सारे बाराती ऊपर। हाय 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 शरीक हो यार, इतने हाथ तो उठाओ ना जो गाजी के नौकर हो, मैं तुम्हें अब्बास की बारात पे ले जाना चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और मेरे पुत्रों के शार मनो यार। लोला मरजान याकूत दुर्रे नजफ सारे बारातियों पर निछावर हुए, अर्श से बेनिदा की ये आई निदा। थोड़ा सा बोलता मजलिस में जो आया था, ऐसे एक मिनट के लिए तो बोलता, सारी मजलिस में यूं ही देखता रहेगा। अर्श से बेनिदा की ये आई निदा, अर्श से बेनिदा की।
दोनों हाथ मिंबर के खिलाफ में मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह काशिफ फिराजी में नज़्म करते करते जब इस मंजिल पे पहुंचाऊं नज़्म छोड़ दी मैंने, मैंने मुसल्ला बिछा लिया, दो रकात नमाज पढ़ी के ये बैत भी मुझे अता हो गई। अर्श से बेनिदा की ये आई निदा, दिल को बुग़्ज़े अली से मुबर्रा करो, ओ बारातियो आले अहमद पे सलवात पढ़ते रहो और अली दुश्मनों पे तबर। हिम्मत है? हाँ बेटा तू जवान है, तू बड़ा अच्छा बोल रहा है। हिम्मत है? दो बंद और पढ़ू खत्म, गिन के चार पांच मिनट और। फिर हिजाबे वफा में समेटे हुए हाशमी लेके अपनी बहू चल पड़े। हाय 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 बाबा तो की शाह पुत्रां दे शार होनी हो यार, अल्लाह अकबर लाला दवार हो यार जी वो यार ए बस्तर में कसरे अली ओ दरवाजे खुले रमन लंगर चलते रमन यार अली आले आंदे रमन इंज गाजी दी बारात में पड़ता रमन इंज मेरे ए सारे दे सारे मातमी पुत्र अब्बास दे बराती बनते रमन। अजा बादशाह मुल पै गई गाजी दी कसम में डाक सजात मुल पै गई। फिर हिजाबे वफा में समेटे हुए हाशमी लेके अपनी बहू चल पड़े। आरजूए इलाही इमामैन फिर अपनी पूरी किए आरजू चल पड़े। फातिमैन विलायत का दिल शाद है, फातिमैन विलायत का, फातिमैन विलायत का दिल। चलो जो समझ आवे तो दस दिया जे, हम कितनी देर लड़ता रहा। फातिमैन विलायत कल सौखा पढ़ देंगा। फातिमैन विलायत का दिल शाद है, सब उलव हो के अब सर खुरू चल पड़े। अर्श पे हक ने जिनका किया तस्करा वो हदीस किसा के बनू चल। हम फातिमत हो वह अबू हा वह बालो हा वह मौला आपकी उम्मा को शिफा दे। इस्लाम है का सदका सैयद जियो ये चेहरा शादाब रहे। अल्लाह अकबर। ओ आखिरी मातमी का शुक्रिया। ओ जो दीवार के साथ बैठा हुआ है शौकत रजा के दोनों हाथ माथे पे उसे सलाम। जी बेटा बहुत शुक्रिया। फातिमा ने विलायत का दिल शाद है, सब उलू हो गया अफसर खुरू चल पड़े। अर्श पे हक ने जिनका किया तस्करा वो हदीसे किसा के बनू चल पड़े। कल बे उमुल बनी, कल बे उमुल बनी जिसका रब है मकीन। फैसल तू ही चला जा यार। कल्बे उम्मुल बनी, कल्बे उम्मुल बनी जिसका रब है मकी। ईद है आज उसने मनाई हुई, दोनों बहनों ने भाविच से हंसकर कहा ये है सूरत में सूरत समाई। अरे यार अपने मुर्शिद को तो शायरी से बड़ा प्यार लग रहा है। अल्लाह अकबर। सलाम है सर, सलाम है सर। फिर उसी रात शब्बीर ने ख्वाब में अपनी अम्मा से ली इस तरह दाद है। कायनात की मालिक ने ख्वाब में हुसैन से कहा तुम सलामत रहो ता कयामत रहो, तेरे नाना का बाबा का दिल शाद है। आए हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो ता कयामत रहो, तेरे नाना का बाबा का दिल। बस मुझे देखना रिजवान बादशाह। फरमाया मैंने गाजी की दुल्हन को तोहफा दिया, हर वफादार की जिसमें इमदाद है वो वसीका तुम्हारे शिराने पे है, जिसके इरफान से अर्श आबाद है। हुसैन फरमाते ख्वाब में मुझे अम्मा ने कहा मैंने अपनी बहू को गाजी की दुल्हन को तोहफा दिया है, तोहफा मैंने लिख दिया है, लिख के नीचे मैंने अपने
दस्तखत कर दिए हैं, वो मैंने तुम्हारे सिराने के नीचे रख दिया है। सुबह जब हुसैन उठना वो उठा लेना, उठा के गाजी की जोजा को, मेरी बहू को, आने वाली नई दुल्हन को दे देना। हुसैन फरमाते सुबह मैं ख्वाब से उठा, मैंने सिराना उठाया, नीचे का कागज लिखा हुआ था, एक तहरीर थी, नीचे मेरी अम्मा के दस्तखत थे। तहरीर पे लिखा था चार तबकात दोजख के मैशर तलक, चार तबकात दोजख के मैशर तलक, सिर्फ गाजी के मुनकर पे ही कह रहे हैं। मेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं ठहरिया मेरा नारा या तो लाओ नहीं, या फिर जी मैं नारा लाई दा। हाय नारी, चार तबकात दोजख के मैशर तलक, सिर्फ गाजी के मुनकर पे ही कह रहे हैं। हुसैन की अम्मा के सिग्नेचर कागज में लिखा हुआ था चार तबकात दोजख के मैशर तलक, सिर्फ गाजी के मुनकर पे ही कह रहे हैं। चार शहरे इरम आज की रात से मेरी गाजी की दुल्हन के हक में। दस लाख में से शायद कोई हो आस को न मारा। अपनी अपनी घड़ी देख, ज्यादा से ज्यादा तीन से चार मिनट। अल्लाह अकबर, वाह वाह, धियां दे पर्दे होने यार, वाह कैसर वाह, इतना बड़ा मुसाहब होने होया, एडा क्रिया कर बैठे हो, वाह सैयद वाह, लकी पीर पुत्रा दे शार होने जी। मैं सदके बिठा दू इस बच्चे को, बह जा मेरा पुत्र। अल्लाह अकबर, कोई मसाहब नहीं मनवाना मुझे, जिस नौकरी के लिए मैं आया मैं कर चुका, मैं बड़ा मुझी। देख पुत्र, बात यह है कि मसाहब बड़ी सख्त कैफियत का नाम है, तू वहां से हाथ उठा के कह रहा है फिर पढ़ दे। मैं इसी जुमले को अगर खोल दूंगा ना, मैं अब्बास का बच्चा खुचा सारा। ओ क्या हाल है ओ यार, अल्लाह हो अकबर। सारी दाढ़ी हंजुआ नाल, जी बाबा जी बाबा, मजलिस ते मैं पढ़ गया। ओ मेरिया धियां जड़िया चाचा नाल प्यार कर दी हो, जड़िया पेकिया नाल प्यार कर दी हो, तुसी है करे आ मेरा पुत्र। गिण के दो मिनट में काशिफ बादशाह हो सदके, इन अखा तो शौकत कुर्बान ना करा। मैं क्या बास का बच्चा खुचा सार, बच्चे खुचे हुसैन ने। हाय वाह वाह, एक जवाब छा करम ही, एक करम ही जवाब छा। हर बंदा कदो इस जुमले से शहीद मातम करता है। उच्चा उच्चा रो वो धाड़ा मार मार के। मैं ना कन्ना ना रोला मा तो सुने, तुम्हारा उच्चा रोना बतूल को पसंद है। अल्लाह अकबर। बाबा जी बाबा जी, कौन ही करना तुसा बर्दाश्त, हुसैन की कसम है मैं पढ़ देना, तुसा कौन ही करना बर्दाश्त। ऐ जिक्र हुसैन जे ए मेरे सिर ते, ओ गाजी दा आलम है, मैनू अगला सा ही ना आवे जे मैं तेरे रोण वास्ते मुर्शिद खून मारा। बंदा कौन ही शिया जेड़ा हुण मातम ना करे। मैं नहीं पता लाहौर की रिवाज है, साडे अलाजी रिवाज है, जवान भाई मर जाए ना छोटे भाई के जनाजे पे बड़ा भाई जा रहा हो ना, कोई उसके शाने पकड़ता है, कोई उसे पानी पिलाता है, कोई उसके सर पे छतरी खोलता है, कोई कहता है आज से मैं तेरा भाई हूँ। अल्लाह करे वो शिया ना होवे जेड़ा आवे अस बादशाह मातम ना करे। कायनात का पहला भाई है हुसैन, छोटे भाई के जनाजे पे जा रहा था, हरामियों ने तालियां मारना शुरू कर दी, शामियों ने हुसैन के सामने नाचना शुरू कर दिया, शामियों ने हुसैन के सामने दफ बजाना शुरू कर
शामियों ने हुसैन जी 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 अल्लाह मैं तो आखिया बहुत थक्यो ओ मेरा पुत्र तेरी खैर होवे पूरा शर्क पर ही मेरे साथ अल्लाह अकबर अल्लाह वेखो मैं 42 अशरे पढ़ने लाहौर मैं 42 साल थोड़ी नौकरी की खाला मैं पिंदा पिया थोड़े को मिन्नत पे करना एक बारी मातमी हाथ च आवे जे एक बारी मातमी हाथ च आवे जे तुहानू अब्बास दा वास्ता थोड़ी चीख छत उत्ते जानी चाहिए है हाथ थोड़ा मूंह ते आना चाहिए है अब्बास का सर झोली में रख के हुसैन ने जो जुमला कहा है मर जाए मातम करते ये मातमी जुमले की कीमत दी फरमाते अली यो मना मैं तलाया नो बेकलम दलम फतशाहदा तो खराफाज दा मना मुहा अब्बास तेरे दर से जो नहीं सोते थे वो आज के बाद सोएंगे और जो मेरी बहने सोती थी आज के बाद मेरी ज़ैनब नहीं सोएगी आज के बाद मेरी कलसूम नहीं सोएगी मातम मातम आज के बाद मेरी सकीना नहीं सोएगी आज के बाद मेरी हौसला कर क्या सर हौसला कर हौसला हौसला बस कर दे की हुक्म है इस बादशाह की हुक्म है डॉक्टर सज्जाद हुक्म कर ले आ फिर बाबा कुरान अज ले आ फिर जकी शाह मुर्शिद मेरा प्यो बराबर है ले आ फिर कुरान अज ले आ रख मेरे सिर से ये मिंबरों पे कहा जाता है कि अब्बास ने कहा था मेरा लाशा ना ले जाना मुझे सकीना से शर्म आती है गाजी की कसम मैंने नहीं पढ़ा फिर आखिर क्यों नहीं ले गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कायनात का पहला जंग जो है अब्बास जिसका सर जीन पे दो हो गया या ज़हरा या ज़हरा अच्छा ठीक अच्छा अच्छा ठीक 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 है मैं बताता हूँ ठीक है मैं बताता हूँ फिर कयामत हो जाएगी हाँ एक बार फिर कह रहा हूँ अपना जुमला सोच लो फिर अगर इनमें से किसी ने मातम न किया वो गुनहगार हो जाएगा मैं सवाल का जवाब दे दूंगा पढ़ूं खोलूं बात को अल्लाह अकबर आओ फिर मैं खोलने को तैयार हूँ अब्बास का सर जीन पे यूं खुल गया तकलैन आज मंगी आज मैं हुक्म दे रहे हैं आज मातम करके मंगी यूं हो गया डॉक्टर सज्जाद एक नज़र मुझे देखना यूं हो गया अब्बास का सर यूं हो गया अब्बास का सर अब्बास माला अगर मैं गलत पढ़ूं मैं शर्मे मैं आपका मुजरिम कोई मातम न करे उसे माफ कर दीजिएगा अल्लामा कलबासी फरमाते सकता मुख और आशी अल्लाह का तफाए अब्बास का दिमाग निकल के शान हो गया अब्बास का दिमाग निकल के नहीं आता जिसे मातम वो बाहर चला जाए यार अब्बास का दिमाग निकल के हौसला 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और मेरी धिया और मेरा पुत्र जड़िया गाजी दिया करी जाओ तेरा की ख्याल है मैं शिया नहीं मैं शिया मां का पुत्र नहीं मेरे अंदर जरा गोश्त है वो गोश्त नहीं लोह है आंदा कितने तीर लगे हैं अब्बास में सरकार सलामत अली तपीर फरमाते हैं किस मुंह से कोई आहा ये तकरीर निकाले एक आंख से शब्बीर ने दस तीर ने ओए हो ओए हो ओए हो आखिरी जुमला आखिरी जुमला
इस मुंह से कोई आह ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने। अब्बास जवाब शाम मिंबरों पे कहा जाता है, अब्बास ने कहा था मुझे सकीना से शर्म आती है, गाजी की कसम मक्तल में जुमला यही है। इधर अब्बास बाजुओं के बगैर जीन से गिरा, उधर कुत्ते शमर ने ऐलान कर दिया जैसने अली से बदला लेना हो, अली का बेटा उतर गया, मारो मारो कहने की देर थी। 10 लाख ने मिलके मारना शुरू किया गाजी को, 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, अब्बास उठाओ मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ याद आ रहा मर जाएगा और तेरी जवानी बेदाग संभाल यार सैयद को, हौसला दे, पीछे हाथ रख सैयद के। हालत क्या हो रही है सैयद आदि की, हालत क्या हो रही है सैयद आदि की? मेरा ख्याल है बाकी कल पढ़ देंगे। किताब मेरी गड्डी च पई है, फिर जे किसे मोमिन दा दिल होवे तो मैं पढ़ के बैठ जाना, आ मैं तन किताब भी खावा, तू आखें ते कल मैं फुट सेट करा के तेरे च बट बांट देंगा। इस तू ते मैं कर कोई नहीं जगदा, हुण मैं जवाब साहब मैं एक बारी इस तो अगला जुमला पढ़ मैं दसो मैं की करा। कायनात में पहला गरीब आई है हुसैन, जब भाई की लाश पे आया है कत्तऊ हो बेअसिया फहम इरबन इरबन, जैसे कसाई कीमा बनाता है ना और कीमा हवा में उड़ता है, वैसे अब्बास की लाश हवा में उड़ रही थी, वैसे अब्बास का लाशा। अब ऐसा माफ करियो यार, और मेरी अथियां जैसे थी, जिन्हें नहीं आता मातम वो न करो ना, जिन्हें आता है मातम वो हाथ मारो, जैसे कसाई कीमा बनाता है ना और वो कीमा ना जकीशा तू जमीन आख्या मछा पुण। याद आ रहा, इन संभालो, इसे संभालो, कोई इसे पानी पिलाओ, कोई बंदा इसे पानी फेंक दो, उधर शादी उधर पानी फेंक दो, उधर उधर पानी फेंक दो उस तरफ। डॉ सज्जाद काशिफ शेराजी माफी, मैं अपनी 42 साल जाकरी में पहली बार लाहौर ये जुमला पढ़ रहा हूँ, अब्बास की शहादत में पहली बार मैंने जुरत की है, आज तक मैंने अपने आप को रोका, अब हालत ये हो गई है, अब मैं जुमला